स्टूडेंट कक्षा 11वीं की बही खाते में हम राइटर राठी के अनुसार पाठ्यक्रम करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है ये, लेखा कर्म बही खाते की, ये अध्याय इसमें 12 हैं। पीछे देखेंगे टोटल पूरे हम अध्याय कितने 20 करने वाले हैं। इसमें हमने यहाँ पर थ्योरी है, चौथा जो अध्याय है लेखांकन समीकरण एवं लेखांकन के नियम, इसमें आपके हैं सवाल, इस अध्ययन को हम आज करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं में सवालों की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम अध्याय 4 से आप लोगों के जो सम्स है उसको पढ़ेंगे। तो आपका अध्याय 4 है लेखांकन समीकरण लेखांकन के नियम, इसमें इसके अंतर्गत क्या है आपको सवाल दिया गया है। उससे पहले जितने भी अध्याय उसमें क्या थी आपकी थ्योरी थी। तो क्वेश्चन नंबर पहले से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्यापार की कुल संपत्ति 350,000 थी। जो व्यापार की कुल संपत्ति कितनी थी? 350,000, और लेनदार 130,000 रुपए के थे। जितने लेनदार थे वो क्या थे? 130,000 के थे। अब हमें इसमें पूंजी की रकम क्या करना है, क्या करना है हमको इसमें पूंजी की रकम की गणना करना है। तो हम इसका सोल्यूशन आंसर देखेंगे, हल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे पूंजी की गणना, ठीक है। पूंजी की गणना कर रहे हैं हम, तो हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें कुल संपत्ति दी है 350,000, हमने यहाँ लिख लिया कुल संपत्ति 350,000। फिर आगे दिया है हमें लेनदार, लेनदार कितना दिया है? 130,000। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें पूंजी की रकम। तो हमें पता होना चाहिए कि पूंजी बराबर होता है कुल संपत्ति माइनस उसमें से कर देंगे हम लेनदार। तो कुल संपत्ति हमारी कितनी है? 350,000, उसमें से हम माइनस से कर देंगे लेनदार 130,000। जब हम 350,000 में से 100,000 माइनस करेंगे तो हमारी जो पूंजी आने वाली है माइनस करने पर कितनी आ जाएगी? 220,000। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें पूंजी की गणना करनी थी।